मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत गोवर्धन रोड स्थित हरिदास इंटरप्राइजेस की दुकान में अज्ञात कारणों से बुधवार की रात्रि भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा बिजली का सामान जलकर राख हो गया। अज्ञात कारणों से लगी आग ने थोड़ी देर में विकराल रूप ले लिया। बमुश्किल दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दुकान स्वामी दिलीप शांडिल्य ने बताया कि रात्रि में प्रतिदिन की तरह वह दुकान बंद कर कर घर गया था। रात्रि करीब 2:30 बजे उसके घर पर डायल 100 आसपास के लोगों ने पहुंचकर दुकान पर आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद में दुकान पर पहुंचा तो दुकान के अंदर काफी तेज आग लग रही थी और मौके पर उपलब्ध दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी हुई थी। आग किन कारणों से लगी है यह अभी पता नहीं चला है। दुकान स्वामी ने बताया, आग लगने से दुकान में रखा सभी सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया है और करीबन 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हमारे संवाददाता की मथुरा ब्यूरो चीफ टाइम्स की खास रिपोर्ट। दिलीप कुमार, क्या हुआ था? पता नहीं सर, मैं तो रात को दुकान बढ़ा के गया हूँ, यहाँ से जाके सोया हूँ जी। तो सुबह 2:30 बजे करीब जो है मेरे पास में एक, मैं वहाँ से पुलिस चौकी से पुलिस वाले थे और एक मेरे पड़ोसी हैं राकेश मोबाइल वाले, ये मेरे जो है घर पे पहुँचे थे रात को करीब 2:30 बजे के आसपास। मुझे ले भाई दिलीप बाबू जल्दी चलो, वहीं से घर में आग लग गई है। मैं आया हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आके देखा तो दमकल की गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पे, वो आग बुझाने में लगी हुई थी। दुकान की शटर नहीं खुली हुई थी तो वो शटर तोड़ी भी थी उन लोगों ने, बेचारे बहुत मेहनत करी उन्होंने तोड़ने में, और आग को बुझाने में भी बहुत अच्छी उन्होंने तरीके से पीछे जाके इनको हटा के वहाँ से कॉलोनी में जो यहाँ पे उसको पानी बुझाया है बहुत अच्छे तरीके। पुलिस वाले भी बढ़िया आदमी थे, उन लोगों ने बेचारों ने खूब मेहनत करके यहाँ पे आग को बचाने की कोशिश करी, लेकिन जब तक शटर खुली है टूटी है जब तक यहाँ सब कुछ सौ हो चुका था। आग लगने का कारण क्या रहा? आग लगने का कोई कारण नहीं है, कोई बता रहे अंदर हुआ है जो भी हुआ है, इसका कोई कारण कुछ ही नहीं बताया जा सकता क्या हुआ है। घटना कब की और कितने बजे की है? अगर भाई मैं, मुझे पता नहीं है, मैं तो 2:30-3 बजे के यहाँ पे आया हूँ, मुझे यहाँ पे सब कुछ जला हुआ मिला है, बिल्कुल रात मिला है। दमकल की गाड़ी कितने बजे आई थी? मैं जब यहाँ पे आया हूँ उस समय मुझे दमकल की गाड़ी यहीं खड़ी हुई मिली है। करीबन कितने बज रहे थे उस टाइम? उस समय 2:30-3 बज रहे थे। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 15-20 लाख के आसपास का नुकसान होगा, मेरा तो सारी कमाई भी जीवन की सब जल के राख हो गई।